हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं शेयर करूँगी इस डिज़ाइनर कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। सो गाइज, ये एक वेस्ट प्लेटेड कुर्ती है जिसकी स्लीव और घेरे में हमने कट वर्क किया है। एंड इस कुर्ती के साथ मैंने ये टुलिप पैंट बनाई है। टुलिप पैंट का वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी इस शलवार का वीडियो देख सकते हैं। एंड इस कुर्ती के साथ मैंने ये शॉर्ट जैकेट बनाई है। शॉर्ट जैकेट का वीडियो इस वीडियो से पहले मैं इसी चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, तो डायरेक्ट आप मेरे चैनल पर जाकर भी इस जैकेट का वीडियो देख सकते हैं और पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। एंड गाइस, टुलिप शलवार की मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट रिसीव हो रही थी, क्योंकि टुलिप शलवार का जो फैशन है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो काफ़ी ज़्यादा टुलिप शलवार चल रही है। आप स्ट्रेट कुर्ती और फ्लेयर कुर्ती के साथ ये टुलिप शलवार बना सकते हैं। सो शलवार और जैकेट का वीडियो आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में भी दोनों का लिंक मैं दे रही हूँ। सो एंड स्क्रीन पर आपको ये दोनों वीडियो मिल जाएंगी। अब देखिए, जो मेरी कुर्ती का मेजरमेंट है इसी के अकॉर्डिंग मैंने फैब्रिक ले लिया है। अगर आप इससे हैवी साइज़ बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। 36 चेस्ट के लिए बना रही हूँ और जो लेंथ है वो 42 इंच रहेगी। अब सबसे पहले हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे। तो अगर आप मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हैं, यानी स्मॉल साइज़ के लिए बना रहे हैं, तो आपको फैब्रिक किनारे वाले साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करना होगा और ऐसे करके हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से हम अपने बस्ट के हिसाब से इसकी चौड़ाई ले लेंगे 2 इंच प्लस करके, और यहाँ से जो चौड़ाई हो जाएगी उसके बाद हम ये वाली इसकी लेंथ ले लेंगे। तो ऐसे हमारा टॉप पार्ट की लेंथ और विड्थ होगी। बट अगर आप हैवी साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करना होगा चौड़ाई में, और यहाँ से अपने चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1.5 से 2 इंच प्लस करना होगा विड्थ में, और ये लेंथ हो जाएगी। सो मैं 36 इंच चेस्ट के लिए बना रही हूँ, तो मुझे फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करना होगा, क्योंकि इसमें मेरी जो बस्ट की चौड़ाई है प्लस मार्जिन वो अच्छे से आ रहा है, क्योंकि जो इसकी विड्थ है 4 फोल्ड करने के बाद वो 11 इंच है। 9 इंच पर इसका मैं बस्ट बनाऊंगी तो 2 इंच इसका मार्जिन आगे की तरफ रह जाएगा। इसके बाद ये फोल्डेड साइड है, यहाँ से हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ ले लेंगे। तो जितना भी हमें टॉप पार्ट की रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो मैंने 16 इंच पर इसको मार्क किया है। 15 इंच पर हम इसको रेडी कर देंगे 1 इंच मार्जिन के लिए। अब देखिए, ये हमारे टॉप पार्ट की लेंथ विड्थ हो गई है। ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन वाली साइड है जहाँ पर 4 लेयर हैं। इसके बाद ऊपर की तरफ से हम अपने शोल्डर का हाफ मार्क करेंगे। तो मैं नॉर्मल नेक बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 7 इंच शोल्डर लिया है। 3 इंच नेक की विड्थ रहेगी और यहाँ से 0.5 इंच डाउन करेंगे कंधे को और दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइनअप कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे, तो आर्म होल की लेंथ भी हम 7 इंच लेंगे। सो बिल्कुल नॉर्मल हमारा बेसिक बॉडी मेजरमेंट है। इसके बाद बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और 0.5 से 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट लेंगे, तो जितना भी हमारा बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके मार्क कर देंगे। तो मैंने 9 इंच पर इसको मार्क कर दिया है। आगे से हमारा 2 इंच मार्जिन रह गया। अब नीचे कमर की साइड से हम अपने कमर का 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 8 इंच। तो 32 इंच पर इसकी कमर रेडी हो जाएगी और मार्जिन ऐड करके दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइनअप कर देंगे। ये हमारा मार्जिन है और ये हमारी फिटिंग रहेगी। अब नीचे कमर की साइड से ऊपर की तरफ हम 1 इंच मार्क करेंगे और इस मार्क को कर्व शेप देते हुए पीछे फोल्ड साइड में इस तरह से मिला देंगे। सो जब भी हम कोई कुर्ती घेरे वाली बनाते हैं तो उसमें ये वाले जो शेप है वो ज़रूरी देना होता है, ताकि हमारी कुर्ती के साइड के कॉर्नर ना लटके और जो कमर की फिटिंग है वो प्रॉपर गोल आए। इसके बाद जो हमने मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे एंड जो हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है उसको कट कर देंगे, और ये नीचे से हमने 1 इंच की गोलाई भी कट कर दी है। तो ये हमारा टॉप पार्ट कट हो चुका है। इसके बाद अब हमने कुर्ती का घेरा कट करना है। सो यहाँ पर हमने कुर्ती की जितनी भी लेंथ लेनी है उसमें से हमने टॉप पार्ट की लेंथ को माइनस कर देना है। इसके बाद जितनी भी लेंथ बचेगी उतना घेरे की लेंथ लेंगे। सो इस तरह से भी हिसाब लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ 1 इंच मैंने ऊपर निकाल दिया है जो सीमिंग अलाउंस चला जाएगा टॉप पार्ट का। अब हमें अपनी कुर्ती की रेडी लेंथ लेनी होगी और उसमें लगभग 1.5 से 2 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। घेरे में नीचे फोल्ड होगा, ऊपर से टॉप पार्ट के साथ भी 0.5 इंच जॉइंट होगा, तो 1 से 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे और इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे।
तो ये हमारी कुर्ती के घेरा हो गया है। तो मैंने 28 इंच की लेंथ पर इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे और जितने भी हमारे फैब्रिक की चौड़ाई है यानी अरज़ है वो घेरे में आएगी। तो फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट हमने बराबर इसी तरह से कट कर लिए हैं। अब मिडिल में से भी कट कर लेंगे ताकि इसके दो पार्ट बन जाएँ। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक फ्रंट में आएगा और एक बैक में आएगा। इस तरह से कपड़े की विड्थ हमने पूरी ली है और घेरे की जो लेंथ है वो 28 इंच ली है। अब आप यहाँ पर अपनी कुर्ती के हिसाब से इस घेरे की लेंथ ले सकते हैं। तो एक साइड से इसको सिल देंगे, जो ये सिलने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, फोर फोल्ड करने के बाद जो इसकी प्लेट्स हैं वो कमर के साइड से कुछ इस तरह से आएंगी। अब देखिए, जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम अपनी स्लीव कट कर लेंगे। तो स्लीव की लेंथ और विड्थ भी आपको अपने हिसाब से ही लेनी होगी। सो यहाँ से पहले मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी, इसके बाद फोर फोल्ड कर लूँगी और आर्म होल की विड्थ के हिसाब से स्लीव की लेंथ निकाल कर इसको कट कर लूँगी। इसके बाद हमने अपना नेक कट किया है। तो ये राउंड नेक है, नीचे से वी शेप दिया है। सो इसको अब हम अपने फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे और इसको फ्रंट वाले पार्ट में लगाएंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट में के आर्म होल की हमने एक्स्ट्रा कटिंग अभी नहीं की है। तो इसमें से हम अपना बैक वाला पार्ट निकाल देंगे जिसमें हम अपना बैक नेक बनाएंगे और इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे वापस से। इसके बाद आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमारे जो नॉचेज़ हैं उसको लगा लेंगे। ये हमारी फिटिंग वाले नॉचेज़ रहेंगे। सो गाइज़, कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद इसका नेक बना लेते हैं। तो देखिए, नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 5.5 इंच ली है और जो इसकी लेंथ है वो मैंने 6.5 इंच ली है। और इस तरह से फैब्रिक पर मैंने बुकरम को आयरन की हेल्प से चिपका लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब सीधी तरफ बुकरम को रखकर बुकरम के किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई को थोड़ा ध्यान से लगाना है, बिल्कुल बराबर मिलाते हुए। और पूरे नेक में हम सिलाई लगाने के बाद इसमें अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे थोड़ा सा छोड़ते हुए। और इसी फैब्रिक में हम छोटे छोटे कट लगाकर बुकरम को पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे, किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। तो नेक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक नेक ब्यास स्ट्रिप से डबल फोल्ड करके इस तरह से फिनिश कर लेंगे। दोनों नेक फिनिश करने के बाद अब हमने इसकी कंधी ज्वाइन कर लेनी है। इस तरह से बैक नेक की जो पट्टी हमने अंदर फोल्ड नहीं की है वो हम कंधी ज्वाइन करते हुए फ्रंट में इस तरह से ओवरलैप करेंगे और 1/2 इंच का दबाव लेकर इसको सिल देंगे। स्टार्टिंग और एंड में हम सिलाई को अच्छे से पक्का करेंगे, 2 से 3 सिलाई लगाकर इस तरह से। सो दोनों कंधियाँ हमारी जॉइंट हो जाएंगी। इसके बाद अब हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। सो फिटिंग करने के लिए जो हमने मार्किंग की है स्टार्टिंग में कटिंग के टाइम, उसी मार्किंग को हमने दूसरी साइड में भी यहाँ पर ट्रेस कर लेना है। सो दोनों साइड में हमारे इस तरह से फ़िटिंग हो जाएगी। इसके बाद अब मैंने देखिए ये बुकरम पट्टी ली है। सो ये जो बुकरम है ये एक साइड से इसके ग्लू होता है जिससे हम आयरन की हेल्प से इसको कपड़े पर चिपका सकते हैं। सो इसको मैंने डबल फोल्ड किया, इसके बाद में इसको फोर फोल्ड कर लेती हूँ एंड जो इसकी लेंथ विड्थ है वो आपको दिखा देती हूँ वो मैंने किस हिसाब से ली है। तो पहले इसको हमने फोर फोल्ड कर लिया है और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 1.25 इंच ली है। आप चाहें तो 2 से 2.5 इंच भी ले सकते हैं, जितना बड़ा आपको कटवर बनाना है उसी के हिसाब से। तो मैंने 1.25 इंच चौड़ी इसकी चौड़ाई ली है और जो इसकी लंबाई है वो 23 इंच रहेगी। इस तरह से टोटल लेंथ इसकी 92 इंच रहेगी, यानी 92 इंच की इसकी लंबाई है पट्टी की और चौड़ाई 1.25 इंच है। अब हमने इसको फोर फोल्ड कर लिया है इस तरह से। इसके बाद इस पर एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये चारों जो लेयर हैं वो बराबर रहें। सो सिलाई हमने बड़ी चाल पर लगानी होगी और यहाँ से 1/2 इंच का दूरी पर ये सिलाई रहेगी और इस सिलाई को बिल्कुल सीधा करेंगे, यानी बिल्कुल 1/2 इंच की चौड़ाई पर ही ये सिलाई आनी चाहिए। सो गाइज, इस बुकरम पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने घेरे के हिसाब से ली है। जितना भी घेरा है उससे थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद मैंने और एक बुकरम पट्टी का पीस लिया है। इसकी लंबाई जो रहेगी वो इस तरह से 1.25 रहेगी और चौड़ाई इसकी 3 इंच रहेगी। अब डबल फोल्ड करके इसमें से हम हाफ सर्कल कट करेंगे इस तरह से। जितना भी बड़ा हमें सर्कल यानी कटवर चाहिए उसी के हिसाब से हम यहाँ पर सर्कल कट करेंगे ऐसे करके। सो ये सर्कल कट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमने ये जो सिलाई लगाई थी 1/2 इंच की, सो मेरा वाइट थ्रेड है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं मार्किंग कर देती हूँ। तो इसी सिलाई के ऊपर हमने यहाँ पर ये कटवर इस तरह से रखना है और ऊपर से जो भी हमारी शेप है कटवर की यानी गोलाई में इसको ट्रेस कर देना है। सो सभी को एक दूसरे के बराबर रखेंगे और नीचे से हमने कटवर का जो सीधी वाली साइड है वो सिलाई के ऊपर रखनी होगी और मार्किंग आगे की तरफ करते जाएंगे।
सो ये जो साइज़ बताया है मैंने कटवर का, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। लेकिन फिर भी अगर आप अपना कटवर छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसी के हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा जो हमारी बुकरम है, यहाँ से हम ध्यान से कट करेंगे। तो ध्यान से इसलिए कट करेंगे क्योंकि इसकी चार लेयर हैं, कटिंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कैंची चलाने में। सो धीरे धीरे इसको कट करेंगे। और एंड जो इसके गोलाई है कटवर की ऊपर से शेप है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो सभी को धीरे धीरे हमने कटवर को कट कर लेना है। तो ऐसे कट करने से जो हमारे कटवर की शेप है वो एक जैसी आएगी। इसके बाद जो हमने ये सिलाई लगाई थी इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। बड़ी चाल है तो ये बहुत आसानी से इस तरह से झटके के साथ निकल जाएगी। तो ये हमारे देखिए कटवर एक ही शेप में सभी कटवर कट हुए हैं इस तरह से। अब इस कटवर पट्टी को हम अपने फैब्रिक पर चिपका लेंगे। तो चिपकाने के लिए देखिए आयरन की हेल्प से हम इसको चिपकाएंगे। इसके एक साइड में ग्लू है तो ये कपड़े की रॉन्ग साइड में रखते हुए हमने इसको इस तरह से चिपका लिया है। और दोनों साइड में हाफ से पौन इंच फैब्रिक बाहर की तरफ निकाला है। अब नीचे जो सीधी वाली साइड है यहाँ से फैब्रिक को बुकरम पट्टी पर चढ़ाते हुए एक सिलाई लगा देंगे बड़ी चाल करके इस तरह से। इसके बाद हम अपना घेरा लेंगे। तो हमने घेरे के दो पार्ट कट किए थे जिनको हमने एक साइड से जॉइंट कर दिया है। सो एक हमने सिलाई लगा ली है, अब ये एक ही पीस बन गया है। इस तरह से एक सिलाई लग गई है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको सीधी तरफ ऊपर रखेंगे यहाँ पर, और किसी भी साइड में यानी जो इसका अरस साइड है यहाँ से इसको रख कर कटवर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो कटवर के आगे की गोलाई में हमने सिलाई लगानी है। सो इसकी पूरी लेंथ के हिसाब से देखिए मैंने पट्टी को कट किया है इस तरह से। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था, जो बचेगा बाद में हम इसको ट्रिम करके निकाल देंगे। तो इस तरह से इसकी लंबाई लेनी होगी। एंड जो इसकी सिलाई है वो बिल्कुल इस तरह से करनी है। बीच बीच में मैंने पिंस लगा ली हैं ताकि जो पट्टी है वो फैब्रिक से इधर उधर ना भागे और सिलते टाइम थोड़ी आसानी रहे। सो ऐसे हमने सभी कटवर को पूरी गोलाई में सिल लेना है। सिलने के बाद जो हमारी थोड़ी सी पट्टी एक्स्ट्रा निकल रही है इसको कट कर देंगे यहाँ से। अब इसमें से यहाँ से पिन निकाल देते हैं। एंड जो हमारे कटवर की गोलाई है ऊपर से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी जो कपड़ा है हम कट कर देंगे इस तरह से। कटिंग के बाद अब हमने इसमें नॉचेस लगाने हैं। तो नॉचेस को थोड़ा ध्यान से लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ रहे हैं। तो छोटे छोटे कट लगाएंगे यहाँ गहराई में और ऊपर गोलाई में भी कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद ये कटवर हम सीधी तरफ इस तरह से टर्न करेंगे और किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे कटवर सेट हो जाए। सो लीजिए हमने ये कटवर इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने किनारे पर एक सिलाई लगा दी है आगे की तरफ, और पीछे की तरफ भी एक सिलाई लगा दी है। बाद में हम इसे निकाल देंगे तुरपाई करके। अब हमने घेरे की जो दूसरी ओपन साइड है इसको भी बंद कर देना है। सो इस तरह से इसको डबल फोल्ड कर देंगे। रॉन्ग साइड इसके ऊपर है और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे जैसे हमने इधर लगाई है। इसके बाद हमारा जो घेरा है वो रेडी हो जाएगा, तब हम अपने टॉप पार्ट्स इसको रेडी कर लेंगे। तो फिटिंग वाली साइड में हम यहाँ दोनों के जो आमने सामने रखेंगे इस तरह से, और जितनी भी प्लेट्स आएंगी हमारी कमर के साइड में उसको हम इस तरह से डाल लेंगे। दोनों की फिटिंग वाली साइड एक तरफ रहेगी और पूरी कमर की गोलाई में हम छोटे छोटे प्लेट्स इस तरह से डाल लेंगे। तो ये प्लेट्स जिस तरह से फ्रंट में आई हैं उसी तरह से हमारी बैक में भी आई हैं, ये देख सकते हैं आप। बराबर प्लेट्स हैं हमारी क्योंकि घेरे हमारे जो हैं वो बराबर ही थे। अब इस कुर्ती की हमने स्लीव रेडी करनी है। सो गाइस इस कुर्ती की जो स्लीव है वो मैंने बिल्कुल उसी तरह से रेडी की है, यानी उसके मोरी पर भी हमने कटवर बनाया है जैसे हमने घेरे में कटवर बनाया है। तो स्लीव का जो मोरी है वो मैंने फ्री साइज़ रखी है, लूज़ रखी है, थोड़ी सी फिटेड नहीं रखी है। सो इस तरह से दोनों का आर्म होल बराबर है। अब दोनों स्लीव हम कुर्ती के आर्म होल से जॉइन कर देंगे और ये हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी हो जाएगी। नेक में हमने कुछ इस तरह से बीट्स लगा लिए हैं, और ये हमारी कमर की साइड है जिसमें प्लेट्स इस तरह से आई हैं। और इसके बाद जो घेरा है हमारा उसमें मैंने ये सिलाई निकाल कर तुरपाई कर दी है। इसके बाद ये हमारी जैकेट शलवार एंड दुपट्टा है। सो ऐसे ये हमारी कुर्ती बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरी ड्रेस पसंद आई होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की है बनाने में। सो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, बनाने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। एंड इस ड्रेस को आप रक्षाबंधन पे भी बना सकते हैं, और इस पूरी ड्रेस में मेरे जो इंडियन फ्लैग है उसके कलर से ये इंस्पायर्ड ड्रेस है। तो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ड्रेस भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक है और बहुत ही ट्रेंडिंग ड्रेस है। सो आप इसको ट्राई ज़रूर करें। एंड ये टुलिप पैंट और जैकेट का जो वीडियो है यहाँ एंड स्क्रीन पर मैं लगा रही हूँ, जहाँ से आप ये दोनों वीडियो एक साथ देख सकते हैं।
इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और अच्छे अच्छे डिज़ाइन में ला सकें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।